माँ बाप के लिए आफत हो रही है, माँ बाप काम करते हैं, औलाद सो रही है, वो बच्चा क्या सुधरेगा, 9 बजे तक सो रहा है, बिस्तर से उठा नहीं, चाय को रो रहा है, कर्महीन से कुल की सम्मर्याद बिगड़ जाती है, ज्यादा लाड प्यार से भी औलाद बिगड़ जाती है। बिगड़ी औलाद सुधारने की मशीन 11,000 रुपए में आएगी, औलाद को सुधार के मशीन को बेचोगे 1.5 में बिक जाएगी। ज्यादा दिन कवारा रहना खोटा नहीं है, शादी के बाद उलझनों का टोटा नहीं है। पुराने शादी शुदा से पूछ लो कितने आफत हो रही है, कहने में नहीं आती, हाथ वही धो रही है। जमाना खराब, महंगाई बहुत हो रही है, दो औरत वालों की तो आजकल मौत हो रही है। है आगे सुनो, कोई घर जवाई तो नहीं है, घर का बेधर किसे कहनाना चाहिए, घर का बेधर किसे कहनाना चाहिए। मर्द को ससुराल में रहना चाहिए, ससुराल का सारा ही काम करना पड़ेगा, बहनोई होके साले से भी डरना पड़ेगा, लाचार बन रहना पड़े, कह सके को दम नहीं, घर जवाई की इज्जत होती गधे से कम नहीं। हाँ, कुछ खबर रहती नहीं नींद आ जाने के बाद, माँ बाप लगते हैं बुरे शादी हो जाने के बाद, ससुराल वालों को रबड़ी खिला रहा, घर वालों को लकड़ी दिखा रहा, जमाना यहाँ तक खराब आ रहा, बाप को पूछता नहीं ससुराल जा रहा। सासू की सेवा करना बहू के लिए अच्छी बात है, बहू भी एकदम सास बनेगी सच्ची बात है, पानी का छाने की आटा छानती नहीं है, खुद में अक्कल नहीं सासू की मानती नहीं है, शादी करके लाए तभी से आफत हो रही है, सासू काम करती बहू सो रही है, सासू भी खराब है। हाँ, सासू भी बहू को बेटी की तरह समझ ना जानती नहीं है, ढाकन की तरह खाऊं खाऊं करती है, मानती नहीं है। चौका धोए ना झाड़ू दे वो घर ही पक्का बासी है, जिस घर में औरतें रोज नींद आए वो घर ही सत्यानाशी है, ये बात घर पे जाके नहीं कहने की, मैं भी नहीं कहता हूँ, झगड़ा हो जाता है। बीड़ी पीने वालों के पास में बैठना नहीं है, कपड़े जल जाए तो फिर इतना नहीं है, बीड़ी पीने वालों ने कमाल कर दिया, पड़ोसी के बिस्तर जला के धर दिया, गंदगी पसंद हो तमाकू खाना सीख ले, भीख अगर मांगी नहीं तो बीड़ी पीना सीख ले। ये किताबें हैं, किताब बेचने वाला